मतलब किस दिन बर्थडे था उसके दो दिन बाद मैंने उसको उड़ा के रख रखा था और वो बैटरी उसकी बोल गई 50% पे स्टार्ट मर गई। तो इसको आग लगा दो इनके वर्कशॉप के। आप इधर आ जाइए, वीडियो वीडियो भाई कोई है ही नहीं टेक्नीशियन। हां अभी हो रहा है सर, आप इधर आ जाइए भाई, चिल्लाओ मत आराम से। 3 2 1 जय श्री राम, हिंदू धर्म सबसे ऊपर। भाई दो दिन से मैं पागल हो गया, इसी की न्यूज चली जा रही है, इसी की न्यूज। भाई हद ही हो गई, मतलब इंडिया में ना, मतलब कुछ भी चीज हो ना भाई 10-10 दिन तक ट्रेंडिंग रहती है। देखो कमाल ही कर दिया भाई यार, ऐसा इंटरनेशनल न्यूज बनी पड़ी है इस टाइम। दिल्ली डूब रही है, उसको कोई फर्क नहीं। अबे हमें क्यों नहीं होता है सब यार, हमें ऊपर वाले ने भाई भगा दिया है क्या? अभी राजू ने ये सारा खाना बना के दिया है भाई, रोटी अंडे पंडे ये सब, तो ये खा लेता हूँ। कलर बाय, आके मिलता हूँ, ठीक है बाय बाय। फटाफट से चलता है अपना, बहुत लेट हो रहा है। जब भी मैं जाता हूँ ना मेरे पीछे पीछे आता है ये जान दर जा डॉलर बाय बाय। तो अपन चलते हैं अपनी थार से, आ जाओ मम्मी। अपन चल दिए हैं ओखला। ओखला में इनका सर्विस सेंटर कहाँ है? ओखला फेज 1 भाई, आज पूरी रियलिटी खोलूंगा भाई। ओला स्कूटर की 27 दिन हो गए करीब, है ना? 27 दिन तो ये, ऊपर से इन पे मेरे 30,000 रुपए और पड़े हैं। कैसे? क्योंकि अपनी सब्सिडी आनी थी 20,000 के आसपास, और 15,000 रुपए इनको चार्जर के रिफंड करने हैं मेरे को, तो 35,000 रुपए के आसपास इनके पड़े हैं। जो कि मैंने सब्सिडी का मेल आया था, मैंने सारे डॉक्यूमेंट दे दिए, तब से 8 महीने हो गए। मैंने कॉल करता हूँ, रिप्लाई करता हूँ, कहते हैं अब आएंगे। ये भी बताते हैं, ये शोरूम वाले बताते हैं, और मैंने ऑनलाइन कॉल करा, कहते सब्सिडी तो स्टेट सब्सिडी होती है, वो तो जब आएगी तब आएगी। ये क्या बात हुई भाई, ऐसी है, बहुत खराब सर्विस है। अभी तू जाएगा ना, देखियो तबेले की सी बदबू आ रही है वहाँ पे। चल अभी बदबू मारता सर्विस सेंटर है। चल भाई आजा, बढ़िया वीडियो बनाते हैं भाई। भाई पूरा देखना ओला का स्कैम जी, अगर आप पे ओला है तो देखो, अगर आप लेने की सोच रहे हो तो मत लेना, लेने ही मत। हाँ देख लो फिर भी ओला के हाल क्या है भाई, अभी इलेक्ट्रिक आने में टाइम लगेगा। गाड़ी की सर्विस तो फिर भी बढ़िया भाई, पार्ट इतने महंगे हैं कि अगर 3 साल के बाद तुम्हारा कोई पार्ट खराब हो तो जेब खाली हो जाए। 80,000 रुपए की तो बैटरी है, क्या बात कर। बैटरी 3 साल बाद खराब हुई 80,000 रुपए, स्कूटी इतने प्राइस की बैटरी। और इससे तो बढ़िया पेट्रोल है यार, मोटर वो अगर तू अलग से असेंबल करवाएगा ना पूरी स्कूटी, ये साला 1.5 लाख से भी ऊपर की पड़ेगी, बहुत महंगा। जब ले रहा था जब तूने पता नहीं करा, जब पार्ट सस्ते थे ना, अब इन्होंने इन्फ्लेट कर दिए क्योंकि इनकी सब्सिडी कट कर दी स्टेट ने। मैंने स्कूटी ली थी जब मेरे को मिली थी 129 की, अब स्कूटी नहीं 154 की प्लस GST वगैरह, महंगे कर दिए। हाँ? अच्छा यहाँ से नहीं तो वहाँ से कमा रहे हैं भाई। चल रहे हैं अपन, ये देखो जिन्नी घड़ी है भाई, कितनी छोटी लग रही है यार, इस जैसी लग रही है फ्रॉन्क्स जैसी। तो भाई अभी अपन आगे हैं ओला, ये देखो पीछे 2-3 ओला पड़े हुए हैं, और अभी चल रहे हैं अंदर भाई, तो देखते हैं भाई क्या हाल होता है। भाई देखो ये है हमारी ओला की कंडीशन RS से, तो ये इनका सर्विस सेंटर है भाई। भाई कोई है ही नहीं टेक्नीशियन। हाँ अभी हो रहा है सर, आप इधर आ जाइए। भाई चिल्लाओ मत आराम से, चिल्लाओ आराम से बात करो। मेरी स्कूटी है, तुम्हारी नहीं बना रहा, अपनी स्कूटी की बना रहा हूँ। तो भाई ये देखो इनके लैंग्वेज देखो भाई, चिल्ला चिल्ला के बोलते, थर्ड ग्रेड सर्विस। टेक्नीशियन भेज दो, मैं उनके साथ बनाऊंगा। हाँ भेजो, भेज दूंगा। तो भाई मैं तो दुखी आ गया भाई, इतना चीखते हैं लोग, मैं बता रहा हूँ ना तेरे को, ये आ रहा है स्टाफ का तरीका। तो कस्टमर ये रहे एक और है, आपकी क्या कंप्लेंट है भाई साहब? गाड़ी 2 दिन भी हुए थे लिए हुए, हाँ उसके बाद जवाब ही नहीं, जवाब हमसे गाड़ी लिया। और यार तुम्हारे साथ हो रहा है, आज अभी तो हम आए। कितने दिन हो गए आपकी स्कूटी का? आज 7वां दिन। देख लो भाई सारे परेशान है भाई बैस का, ये देखो अब देखो तुरंत आ गए, पहले कोई पूछने वाला नहीं था, वीडियो ऑन हुई तो तुरंत आ गए। हाँ बना रहे हैं सर, हाँ एक ही बात है, तू बता दे। मैंने अर्चनी में स्कूटी सबमिट करी थी अपनी 4 दिन, फिर वहाँ से यहाँ पे आपके एडवाइजर को कॉल आया था कि स्कूटी यहाँ पे आ गया। मोटर वाली स्कूटी है? मोटर वाली स्कूटी है, आर एस ए जो 2943। सब्सक्राइबर मिल गए, तो आप भी कस्टमर हो? जी 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 भाई। तो भाई क्या क्या समस्या है तुम्हारी? ये समस्या ये है कि जब से लिए थे वो काम के लिए अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, 3 बार 4 बार तो आ चुका है यहाँ। अच्छा अच्छा थिएटर तो का ही बता।
आते हैं, बट दो वाले मना करते थे कि हमारे यहाँ नहीं है। अच्छा, कंपनी ने क्यों डाला हुआ है एड्रेस? एक क्लाइंट तो भटक रहा है ना, फिर वहाँ जाकर पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे नहीं हुआ। ये तो यहाँ पर इनका सौजन है कि उन्होंने ले भी लिया, अदरवाइज तो यहाँ पर। भाई ने 3 दिन पहले स्कूटी दी थी, आज ये डिलीवरी लेने आए थे और ये वजीराबाद से और स्कूटी लेके गए 3 किलोमीटर आगे, फिर वही इशू आ गया, पैदल स्कूटी लेकर आए। भाई मैं टाइम हो गया था, कोविड से ज्यादा दुखी लोग हैं भाई, देख 20 बंदे और सारे दर्द कम है हमारे भारत में। गुड़गांव से साफ सफाई नहीं बिल्कुल। ओला का जो भी है कंसर्न पर्सन है, जो भी है वीडियो को शेयर करो, ट्वीट करो, बट सर्विस का कुछ करो भाई, सारे परेशान हैं, सारे कस्टमर दुखी हैं भाई। तो आपको कस्टमर सर्विस अच्छी नहीं लगी? बिल्कुल नहीं है। अगर आपको मौका अच्छी तो बात ही नहीं कर सकता, या तो तमिल वाला ही स्कूटर ले तमिल भाषा में बात करें, या फिर इंग्लिश ऊपर बिल्कुल आती है तो हिंदी भाषा में बात ही नहीं कर सकता। अच्छा अच्छा। दूसरा सेक्टर 2 में इनका है, आप ऑनलाइन है या शेड्यूल लेते हैं, सेक्टर 2 जाते हैं वो कहते हैं जी हमारे यहाँ नहीं है। अब कंपनी को कहाँ ढूंढने, भविष्य करो, आज तो नहीं मिलने का जो हम सीधे बहुत अच्छा है, लेकिन बस स्कूटर उन्होंने दे दिया और इतनी सारी कर ली इन्होंने। आपसे एक चीज बोलूंगा, देखो आप वीडियो रुकवाने के चक्कर में ना, आप अपने कस्टमर सर्विस पे ध्यान दोगे ना तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ये भी नौकरी करना है? हाँ, नौकरी में इनसे कोई कंप्लेंट नहीं है। वीडियो आपका पहुंचेगा वहां तक, हां इनके सीईओ तक, वो भेजा करवा दीजिए, नया नया अपडेट सब कुछ कर दे, कुछ कोई बात कुछ फायदा नहीं जब सर्विस ही नहीं होती। कर दिया स्कूटर लेके, नेक्स्ट नहीं लूंगा। बंदे ने ये पैसे लगा के बैठे हैं तो इसलिए गुस्से में है भाई, मैं भी पैसे लगा के बैठा हूं, ये तो बस ये आगे बोल रहे हैं मैं वीडियो में, भाई क्यों नहीं बनाओ, हमारा स्कूटर है, हमने पैसे फूके, हमारा हक है भाई, हमारा रिव्यू देने का हक है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 4 मिनट और बनाएगा ना भाई चिंगाड़ने लग जाएगा, मेरी गारंटी है, मैंने बनाई है ना अड़चनी में चिंगाड़ने लग जाते हैं। ये तो आप हमारी तकलीफों को अपनी वीडियो के माध्यम से जाहिर भी कर रहे हो, हम रोए तो उसके आगे रोए, इसके अंदर संवेदनशीलता तो है नहीं, तो समझते नहीं। आपको बर्थडे गिफ्ट दिया था ये ओला बाइक, मतलब किस दिन बर्थडे था उसके 2 दिन बाद मैंने उसको उड़ा के रख रखा था और वो बैटरी उसकी बोल गई 50% पे खड़ी करी थी, बैटरी बोल गई, किस दिन गिफ्ट देना था स्टार्टिंग इतनी इंसल्ट हुई, लाके 5 बजे लाके खड़ा करा, 7वां दिन है कंटिन्यू बैठा। कितने कितने लोग दुखी हैं, अगर हम है ना इस वीडियो को भाई ज्यादा भाई सही में मैं भी यही सोच गया आग लगा दूंगा वैसे आ जाता, लेकिन देखो भाई छोटी बच्ची कितना परेशान हो रही है। इन्होंने तो 160 के आसपास ही होंगे, मैंने तो 31 के आसपास। सर सारी बात छोड़ो, सड़क छाप के तरीके से काम हो रहा है, मैं ज्यादा कंप्लेंट सुन रहा हूँ। थोड़ा बस वही हम लोग लालच कर जा रहे हैं कि पेट्रोल थोड़े पैसे बच जाएंगे, लेकिन ये नहीं देख रहे उसके बदले नुकसान मेरा कितना हो रहा है। मैं सुना इसके पार्ट्स भी बहुत महंगे हैं सर, पार्ट भी बहुत महंगे हैं, मतलब नया पैप तो ये डमी है और उसको कराना भी नहीं, क्योंकि अभी एक वो काम जो अभी गारंटी पे है तो वो उन्होंने 4 दिन लगा दिए। पैर रखने का एक फुटरेस 450 रुपए, फ्रंट बॉडी बॉडी 15,000 रुपए की, बैटरी 80,000 की, MCU 36,000 की, बहुत महंगी है। भाई साहब तुम भी कस्टमर हो गए, अभी अपन निकल गए हैं सर्विस सेंटर से, तुम भी कस्टमर हो गया है, तुम भी कस्टमर हो, तुम भी दुखी हो गया? अभी तो पहली बार ही आया, देख रहा है क्या होता है। चलो बस अच्छा ही हो तुम्हारे साथ, अभी निकलते हैं अपन। भाई अंदर कस्टमर सारे मेरे को देख के खुश, गौरव भाई आगे कह रहे भैया आप आए हो तो हमें होप दिख रही है हमारा काम हो जाएगा, बस इस वीडियो को डालना जरूर। तो मैंने डालेंगे भाई। अब ये पता है क्या है, इनकी मोनोपोली है, इन्होंने ना ओला केयर प्लस करके एक चीज चलाई है, उसमें क्या होता है कि ना पैसे दो 3,500 रुपए और आपके घर पे सर्विस हो जाती है, चाहे छोटे मोटे पार्ट के हो, कुछ बड़ा पार्ट हो तो देख के दूसरी बार में कर देंगे। तो ये वो बेचने के चक्कर में ना इन स्टोर सर्विस खराब कर रहे हैं, बट भाई नुकसान तो ब्रांड का ही हो रहा है, ब्रांड का ही हो रहा है। देखो भाई ओला वालों क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो भाई, गलत चीज तो गलत ही है भाई। देखो हमें काम से मतलब, मैं किसी को डिफेम करना नहीं चाहता भाई, 1 महीना हो गया मेरी गाड़ी को, अगर नहीं मिली तो भाई एक वीडियो तो बनाऊंगा ही ना भाई। अब देखो अब मैं जा ये कहता था भाई कोई आता नहीं था, मैंने वही कैमरा खोलूंगा ना सारा स्टाफ आ जाओ, वही हुआ है, वही हुआ, पहले नहीं आते थे, पहले नहीं, तू देख ना वो बंदे खड़े हैं उनकी सबकी सुन लिया हमारे आते, हाँ क्योंकि हम वीडियो बनाने लगे, वीडियो बना तो भाई ने अड़चनी में कैमरा चालू किया ना, तब जाके इन्होंने मेरी स्कूटी यहाँ पे पोर्टर करवाई। भाई ये इनका वो बन गया, मैं तो कह रहा हूँ ये कोई भी बदतमीजी करे ना, आप यूट्यूबर में नहीं हो ना तब भी वीडियो बनाओ और यूट्यूब पे डालो, डालो बस वीडियो बनाया करो, जो आपके साथ गलत काम करा वीडियो बनाओ, क्योंकि ये दुनिया भाई ऐसी ही मानेगी भाई, क्योंकि सीधी उंगली से घी निकलता नहीं। गाइस मैं जीएम का जो नंबर है ना स्क्रीन पे चला रहा हूँ भाई, एक बार इनको फोन करके बोल दो भाई गौरव जोन की स्कूटी दे दो भाई,
और उसको जय श्री राम बोल देना एंड में, जय श्री राम, ठीक है। तो भाई उसको बोल दो भाई कुछ गाली खलोच मत करना, ठीक है, सारे भाई हैं बट अच्छा नहीं लगता गाली, वो जो भी है बट प्यार से बोलना भाई दे दो यार, क्यों परेशान कर रहे हो, और उनकी स्कूटी व्लॉग बनाने होते हैं भाई अपने को। तो भाई अभी अपन आ गए हैं DLF एम्पोरियो, बट अपने को एम्पोरियो में नहीं जाना, अपने को जाना है आगे किसमें, प्रोमनाड, क्योंकि भाई सुपर ड्राई में ना कुछ कलेक्शन आया, मेरे को ना सारे शोरूम में सब्सक्राइबर है तो मेरे को बोल देते हैं भाई जिसमें अच्छे अच्छे कलेक्शन आता है तुरंत बोल दो गौरव भाई आइए आगे आपके मतलब का ले जाओ, तो मैं फटाफट आके ले जाता हूँ। तो भाई वो रहा सुपर ड्राई, चलते अपन अंदर, देखो लोग कैसे कैसे देखते रहते हैं पीछे, तो इसमें से जो जो अच्छा लगे वो मैं ले लूंगा, तो पहन के ट्राई करते हैं। तो पहली, हाँ भाई बढ़िया है, तो पहली अपने को ये सही लगी तो एक बार कमेंट करके बता। सो गाइज अभी अपन ने कर ली है शॉपिंग, ठीक है, तो ये सारा आर्टिकल है, मैं घर जाके दिखाऊंगा क्या क्या है। तो अभी अपन करा रहे हैं इसकी बिलिंग, और ये मैंने एक्सचेंज कराई है, कलर थोड़ा दूसरा लिया है मैंने। तो भाई अभी अपन ने कर ली है शॉपिंग भाई, भर के बहुत सारे रुपए लग गए भाई, बट ठीक है यूट्यूब से आ रहा है तो जाना भी चाहिए ना, थोड़ा फ्लो बना रहता है बारिश के। बारिश आ रही है? हाँ यार बारिश आ रही है। तो चलो अपने को चलना है एडिडास ओरिजिनल्स। भाई अभी सीन ऐसा है, मैं आया हूँ एडिडास ओरिजिनल्स, ठीक है, तो अब अपन ट्राई करेंगे इस सदी का सबसे महंगा ट्रैक सूट भाई, जो कि 45,000 का, और क्योंकि एडिडास ओरिजिनल्स स्पेशल एडिशन है और रणवीर सिंह ने पहना है इसलिए, और ये इतना सेल नहीं हुआ है वैसे, तो मैं कंफ्यूज हूँ लूँ लिमिटेड है या नहीं लूँ। तो भाई अभी अपन आ गए शॉपिंग करके, अभी अपन चल रहे हैं कैंट और आपको कुछ क्रिएटर से मिलाते। देखो गाड़ी कितनी पुरानी है, GM की लिखी हुई है, GM मोटर्स की है, एम्बेसडर GM मोटर्स की, बहुत पुरानी हो गई है, 2000 से ही पुराना मॉडल होगा। तो भाई अभी अपन जा रहे थे डेली कैंट शॉपिंग वॉपिंग करके, क्योंकि अपने को एक मीटिंग है फटाफट, वो निपटानी है, फिर घर जाके व्लॉग भी डालना है। तो अभी क्या है मम्मी, एक टी शर्ट निकाल लो, वो सिंपल, वो जो है ना सिंपल वाली, ये निकाल लो, क्योंकि अभी अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं तो बढ़िया टी शर्ट पहन ले। भाई अपन वेट कर रहे हैं, तो भाई अपने को एक भाई मिले, कावड़ लेके आया भाई, तो भाई के पैर में छाले वाले पड़ गए हैं भाई, और क्यों यहाँ से कांच आर पार हो गया पूरा, इसमें हां कांच पूरा लग चुका मेरा, और इसमें कट गया थोड़ा, गाड़ी चढ़ गई थी मेरे कांवड़ से, पर कांवड़ बच गई थी अच्छे से। अच्छा, वो थे थोड़े वहाँ के लोकल बंदे थे वहाँ के, तो मतलब हवाबाजी कर रहे थे स्प्लेंडर से, तो बिल्कुल उन्हें काट के निकल गए, तो आगे पकड़ के हमने मारा वारा कुछ नहीं, क्योंकि भोले का सीजन चल रहा है, तो हमने पुलिस को दे दिया कि इन्हें थोड़ा हैंडल करो, और ड्रिंक कर रखी सबसे बड़ी बात, और मुस्लिम थे भाई, ये अच्छी बात पे जय श्री राम बोला जाए, जय श्री राम भाई, तो भाई कितने दिन में लेके आया भाई कावड़? मैं लेकर आया हूँ 6 दिन में, लिया मैं कावड़। तो भाई अभी अपन आ गए थे डेली कैंट, तो अपने को भाई मिले, भाई काफी इंस्टाग्राम पे देखा भाई, रील्स काफी वायरल होती है भाई की, तो भाई आज अपनी लेके आए हैं Z4 और अपनी है थार, और X4 मुंह से निकल गई भाई, कन्वर्ट, बट यार ये मेरी फेवरेट कार है, मैं बहुत अच्छी लगती है ये। तो भाई टॉप स्पीड कितनी जाती है भाई? भाई मैं वैसे अभी दौसा से दिल्ली लेके आया हूं, तो मतलब 250-260 तो आराम से जाती है। तो भाई सीन ऐसा अपन करेंगे ना, अभी ड्रैग रेस करेंगे भाई इससे, और वो थार है अपनी, भाई चलाएंगे X4, तुम चलाना थार। 2-1 आ जाओ, भाई थार का पिकअप भी सही था, लेकिन भाई BMW ले गई भाई, BMW में बैस किया भाई, क्या यार रह गई पीछे ओ भाई 100 touch कर दी भाई, भाई पावर है यार गाड़ी में यार, भाई पूरा मक्खन की तरह चल रही है भाई गाड़ी, मेरे को उम्मीद नहीं थी इतनी सही होगी, अंधेरा हो गया वरना और मजे लेते हैं भाई बिल्कुल, बट यार कोई ना रात होगी ठीक है, अब थोड़ा यूटर्न लेते हैं और कहीं चलते हैं, कुछ खा के आते हैं यार, निकल गई मतलब सामने लोग हैं भाई, हां भाई फिर भी इतनी सी जगह वाड़ डाली भरी गाड़ी। तो भाई एक और बारी ड्रैग रेस कर रहे हैं, अपने को डाउट है तो रुको, साइकिल वालों को आन दो पहले, मेरा दिल मान नहीं रहा कि मैं हार गया हूं। नहीं नहीं अरे जीत गए गाड़ी तो आप ही की है मेरे भाई, गाड़ी जीतती है गाड़ी। 3-2-1 BMW जिंदाबाद भाई, खींच के लेगी BMW, और भाई 100 पे टच कर दिया भाई BMW, इतनी सी स्ट्रेच में ये देखो।
तो भाई अभी अपन आ गए हैं साउथ एक्स। वैसे तो मैं घर से निकल रहा हूं तो मेरे को इतना आइडिया नहीं है, मेरे दोस्त लोग आए हैं तो मैं इनको एक अच्छी जगह नहीं ले जा पा रहा भाई, क्योंकि मेरे को आइडिया ही नहीं है भाई। हमें साउथ दिल्ली ले आए हैं, अब हम भी फिगर आउट करेंगे ना साथ मिलके। बताओ भाई, मैं बंदे साथ में मिलके फिगर आउट करेंगे भाई। मैं साउथ दिल्ली का होके नहीं घुमा पा रहा भाई, शर्म आनी चाहिए मेरे को यार भाई, हद हो गई। अभी ऊपर जा रहे हैं अपन थर्ड फ्लोर पे, वो लॉन भी है जो हमें लग रहा था घर ना होगी सही लग रहा था जिस पर। तो कोड है, ये कोड है ना, कोड में जा रहे हैं आज। गौरव भाई ले जाएंगे हमें क्लब, क्लब क्लब चलो भाई, क्लब भी चलते हैं। लड़कियां लागी पड़ेगी भाई, छड़ों को एंट्री नहीं है क्लब में, याद रखना। लड़के तो देख कर आ जाएंगे लेकिन पिज्जा को कुछ पोलियो सा हो गया भाई, इससे मोटी तो मेरी मम्मी रोटी बनाती है भाई। सूख गया भाई, है तो टेस्टी ना, बढ़िया ना, टेस्ट तो बहुत बढ़िया। अभी क्या है भाई, भाइयों का हाँ रील शूट कर रहे हैं। वैसे रील शूट किस चीज की कर रहे हैं आप लोग बताओ भाई, सचिन भाई और आप भाई बताओ। हमारा गाना आने वाला है बहुत ही जल्दी इसी मंथ के अंदर, आप लोगों को सपोर्ट करना और गाना देखना, बहुत ही बहुत ही बहुत ही अमेजिंग गाना आने वाला है। भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, किस नाम से आईडी है भाई? सचिन मान, सचिन मान। और ये हर्ष भाई है हमारे, ये हाँ। तो ये पूरा मैनेजमेंट देखते हैं, अपने सारे मैनेजर यही है, जितनी ब्रांड डील्स लाते हैं ये भाई लाते हैं। तो अभी भी इन्हीं के राज नहीं खोलना था वैसे हमें, पर चलो खोल गया क्योंकि बाकी बंदे भी तो देख के ये था। अब डील जाएं कहीं और। नहीं नहीं भाई, हम हमारी रोजी रोटी में छीन लेना भाई, ये गलत काम होना चाहिए। वरना दूसरा व्लॉग आएगा पार्ट टू हर्ष के ऊपर, हर्ष एक्सपोज, हर्ष एक्सपोज हो जाएगा। तो भाई गाने को सपोर्ट करना है तो किस चैनल पे आएगा ना? टीएचएफ म्यूजिक, टीएचएफ म्यूजिक को भी सब्सक्राइब कर लो। बढ़िया, अपन ने रील वील बना ली, कुछ खा लिया। तो भाई ट्रैफिक भी हल्का हो गया है भाई, ट्रैफिक खाना पीना हो चुका है अपना, अब घर जाने का टाइम है और सोने का टाइम है और रील पोस्ट करने का। अब ये भी एडिटिंग करने बैठे हैं, मैं भी भाई, हम यही कह रहे थे भाई बहुत टफ लाइफ है भाई, इन्फ्लुएंसर की है भाई, दिखता आसान है बस वीडियो बनाते हैं, पर वीडियो बनाना ना ब्लॉग बनाना आसान ना रील बनाना आसान। सही। सो गाइस अभी मैं आपको दिखा दूं कि मैं सुपर ड्राई से क्या क्या लेके आया। तो सबसे पहले तो मैं ये टी शर्ट लेके आया और दूसरी ये लेके आया ये वाली। गाइस मेरे पे ना ये लोअर था पहले, तो ये लोअर की मैचिंग है ना टी शर्ट इन पे आ आई थी, तो टी शर्ट भी मैं ले आया ताकि पूरा ट्रैक सूट बन जाए। देख लो, और लास्ट लेके आया मैं ये टी शर्ट लेके आया, तो ये कैसी लग रही है, इसका कलर ना थोड़ा यूनिक था। ऐसे सुपर ड्राई की स्लीपर्स लेके आया, मेरे को ऑरेंज थी पहले, अब मैं ये नियॉन वाली भी ले आया। टोटल मेरा बिल बना करीब 17,000 कुछ का, तो इतने की शॉपिंग में करके आया। सो गाइस अभी ये वीडियो अपन एंड करते हैं, और हम ना हम सोच रहे हैं कि एक और पप्पी ले लें डॉलर के जैसा, दिखाना। तो ये देखो ब्लैक कलर का ये टॉय पॉम है भाई, सेम डॉलर वाली ब्रीड है ये, देखो ये जो है ना सेम ये है, बट ये फीमेल है ब्लैक कलर की, ऐसे ऐसी लगेगी, क्या बोलते हो ले ली जाए। और इसकी मम्मी देखो, ये इसके पापा है, सेम ऐसी हो जाएगी, ये देखो ये इसकी मम्मी है। सो गाइस कमेंट करके बता दो कि अपने को लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए, फिर ना भाई मजा आ जाएगा, दो दो डॉग हो जाएंगे, एक ब्राउन कलर एक जेड ब्लैक करके होगा। तो भाई हाँ हाँ बढ़िया लग रही है देखा, हाँ दोनों काले गोरे कुत्ते सही लगेंगे, फीमेल भाई है ना, डॉलर तक का रिश्ता हो गया तुम्हारे भाई का भी, हो ही जाएगा जल्दी, यानी कब आएगा नंबर दावत खाने का। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं, और मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई हो। और भाई कल ना बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉग आ रहा है मेरी जिंदगी का, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक जरूर कर दो, मेरे को ना इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ये रहा यूजर नेम डिस्क्रिप्शन में डालो, और हाँ डॉलर को हाँ हाँ कर देना भाई, ये देखो आगे बोल रहा है इसमें कोई फॉलो कर लेना, तो इसका भी 2 लाख होने वाले हैं इंस्टाग्राम पे, तो इसको भी फॉलो कर लेना ठीक है। डॉलर जैसे इसके 2 लाख हो जाएंगे ना, वही सेम पप्पी में ले आऊंगा, है ना ठीक है डॉलर, डन है।